शहर में पानी सप्लाई और सफाई व्यवस्था ठप्प, अध्यक्ष ने सीएमओ पर लगाए शहर में उधम कराने का आरोप। शिवपुरी जिले की नगर पालिका में सड़क की गुणवत्ता जांच कोर कटिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर जिला प्रशासन ने इस मामले को लेकर सीएमओ को फोर्स लीव पर भेज दिया, वहीं दूसरी ओर इस विवाद के बाद समूची नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ दो गुटों में बट गई हैं, जिसका खामियाजा शहरवासियों को उठाना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि पिछले दो दिनों से शहर में मणिखेड़ा से पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर की सफाई व्यवस्था का काम बंद पड़ा हुआ है। पानी और सफाई व्यवस्था का काम बंद होने से शहरवासियों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फास्ट समाचार की टीम ने जब इस समस्या से नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि शहर में पानी सप्लाई बंद करवाने का षड्यंत्र सीएमओ केशव सगर ने रचा है। उनकी ओर से पंप अटेंडरों को भड़काकर शहर में पानी की सप्लाई बंद करवा दी गई है। सीएमओ कुछ पार्षदों और सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर राजनीति कर शहर की व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। अध्यक्ष ने सीएमओ पर शहर में उधम कराने का आरोप लगाया है। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर व एसडीएम समेत भोपाल में नगरीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से की है। सुनिए क्या कहा नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने। सफाई कर्मचारी और जो नल कर्मचारी हड़ताल के कुछ पूरा कारण है ये? बिल्कुल सही बात है भैया, कल सुबह मुझे पता चला कि परसों पानी पूरा बंद कर दिया था इन्होंने मणिखेड़ा से। तो शहर से जानकारियां मिली कि दीदी आज मणिखेड़ा से पूरे शहर का पानी बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? जब मैंने पता किया अपने प्रभारियों से, जो जोन प्रभारी हैं, तो उन्होंने बताया कि सीएमओ ने मना किया है कि पानी नहीं चलाया जाए, सारे शहर का पानी बंद कर दिया जाए। उसके बाद कल मुझे पता चला कि झाड़ू वाले भी नहीं आए, तो मैंने दरोगाओं से पूछा कि भैया झाड़ू क्यों नहीं लग रही है, डोर टू डोर गाड़ी क्यों नहीं आ रही है? तो बोले सीएमओ ने मना किया है कि न झाड़ू लगेगी न कचरा गाड़ी जाएगी। तो फिर मैंने इस बारे को लेके एसडीएम को बात की, तो एसडीएम बोले कि मैं बात करता हूँ। और फिर मैंने एक शिकायत भोपाल भी भेजी है जिसमें बताया है कि सीएमओ ने पूरे शहर का पानी बंद करवा दिया है और सीएमओ हमारे कुछ सफाई कर्मियों को लेके, कुछ पार्षदों को लेके शहर में उधम करवाने की सिलसिला जारी कर रहा है। मूलभूत आवश्यकताएं जो शहर की हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहा है। ये मैंने कलेक्टर साहब से भी कहा, एसडीएम साहब से भी कहा।